एक बार की बात है, एक लड़की को साइकिल चलाने का बहुत अधिक शौक था। वह इधर उधर देखती चलती थी। फिर रात हो जाने के पश्चात उस लड़की ने एक साइकिल चोरी करने की ठान ली थी। वह रात में देखती रही और उसे एक साइकिल मिल गई। फिर वह उसे चुपके से रात को अपने घर के पीछे बगीचे में ले गई। वह उसे कपड़े से ढककर अगली सुबह स्कूल में छुपके से ले गई। फिर उसके मालिक और मालकिन साइकिल के उनके घर लड़न आ जाते हैं। अरे कहाँ तुम्हारी बेटी चोर नहीं हुआ? अरे भाई साहब, मुझे नहीं पता कौन किसकी बात कर रहे हो आप। फिर से रीता वहां पर उस बुजुर्ग आदमी की साइकिल लेकर आ जाती है। वह उन्हें देखकर डर जाती है और साइकिल गिर पड़ती है। हाय राम, यही हमारे बेटे की साइकिल। वह जब अपने घर से निकलती है तो उसे सब साइकिल चोर कहते हैं। और वह जब सांझ को आती है, फिर वह सुबह होते ही बाहर जाती है तो उसे सब और बच्चे भी उसे साइकिल चोर कहते हैं। फिर वह एक दिन रात को प्लानिंग बनाती है कि और वह मरने का सोचती है। फिर वह सरिता एक चुड़ैल में बदल जाती है। सब सोचते हैं कि मैं एक साइकिल चोर थी, पर उन्हें नहीं पता कि मैं चीरे स्लर्पी थी। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि साइकिल चोर क्या होती है। इन गांव वालों को अब मैं जाकर बताऊंगी कि साइकिल चोर किसे कहते हैं। फिर चुड़ैल सारी रात साइकिल चलाती है और वह इतनी साइकिल चलाती है कि उसका साइकिल चलाने से मन भर जाता है। फिर सुबह होते ही वह साइकिल नदी में गिर देती है। गांव वालों में जिक्र होता है कि गांव में एक न एक दिन साइकिल चोरी हो रही है। फिर वह अगली रात ऐसा ही करती है, साइकिल चलाकर फिर से सुबह नदी में गिर देती है। चुड़ैल का भी बस यही काम था, साइकिल नदी में गिरना और लोगों को पागल बनाना। पूरे गांव में यह बात पतंगे की तरह फैल जाती है कि हर एक घर में एक साइकिल रोज उठती है और पता नहीं फिर वह साइकिल कहाँ मिल कहाँ फिर गांव जाती है। वाले एक तरकीब सोचते हैं कि साइकिल बाहर से उठती है और हम इन्हें घर में रखेंगे तो यह चोरी नहीं होगी। फिर अगली रात चुड़ैल गांव में इधर उधर देखती है, उसे साइकिल और किसी के घर के आगे नहीं मिलती। चुड़ैल बहुत ही ना साइकिल देखे बिना परेशान हो जाती है। फिर आगे से एक आदमी अपनी साइकिल लेकर गुजर रहा था। चुड़ैल उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वह उसे एक धक्का मारकर उसकी साइकिल चलाने लगती है। अरे मुझे छोड़ दो मेरी साइकिल।